आती है। काचू तो काचू लैन देखो कितनी लगी है, वो वहां तक लैन लगी है। नीचे दिखाओ ना नीचे, वो नंगे पैर भाई कपाट खुल चुके हैं। जो गाइस यहाँ पे लड़ाई भी होने लगी है, तो आशा बेटा आपकी मनोकामना पूरी हो, परिवार में खुशियाँ मनी जाए। तो भाई हम लोग आ चुके हैं और अब सुबह के बज रहे हैं 6:05 और भाई साहब इतनी भीड़ देखने को मिल रही है। अभी कपाट नहीं खुले हैं और कपाट जैसे खुलते हैं आपको दिखाते हैं ओपनिंग। और लाइन देखो कितनी लगी है, वो वहाँ तक लाइन लगी है, तीन शेड पूरा भर चुका है। अब हम कुकर देख लो मैंने क्या करवा दिया, पूरी टोपी वोपी सब पैक करवा दिया। और मैं देख लो अभी तक अभी आते हूँ, मुझे अभी नीचे इनर है लेकिन हाँ भाई ठंड है। तो फिलहाल देखते हैं कितना टाइम लगेगा ओपनिंग में, फिर हम आपको दिखाते हैं ओपनिंग सेरेमनी। तो भाई यहाँ पर हमने उतार लिए अपने शूज और यहीं से लेते हैं प्रसाद। प्रसाद और एक दूसरा जी की माला बाद में बना पहले चल ले लिए। और उससे पहले लेते हैं कौन सा देना गुरु जी, और भैया से ले ली। तो अब चलते हैं मंदिर की तरफ। तो भाई हमने ले लिया ये अपना प्रसाद 250 वाला, पंकु के हाथ में देखो कैसे लेकर खड़ा है। नीचे दिखाओ ना असली चीज नीचे, वो नंगे पैर ठंड में, इसको ज्यादा ठंड लगती है, क्या होगा इसका। भाई यहाँ पर है तपकुंड, यहाँ पे स्नान करते हुए सारे भक्तगण। और ये गर्म पानी देखो, हम भी सीधे मान लेते हमने बहुत गर्म है। भाई कपाट खुल चुके हैं, और उसके साथ साथ एक चीज़ और दिखाऊंगा इधर की भीड़, और मिल गए तो जरूर डालूंगा। जो गाइस यहाँ पे लड़ाई भी होने लगी है, तो इधर बच्चे भी रो रहे हैं, बच्चे भी रो रहे हैं, भीड़ नहीं है। जद्द जहद हो रही लाइन में लगने के लिए, बेइंतहा और सारे के सारे लग रहे हैं बीच में। लाइन देखो कितनी लंबी लंबी है पीछे भी। भाई लैंड देख लो, देखो एटीआई की एंट्री कराने की जगह है ये कितनी जद्द हो जाए दूरी यहाँ पे। चलो तो गाइस फाइनली गेट के पास आ चुके हैं। गेट ओपन हो चुके हैं और हम जा रहे हैं अंदर और अब दर्शन करके रहेंगे। पीछे देखो भीड़ देख लो।
अंदर तो कैमरा अलाउंड होता है, दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं। दर्शन बहुत अच्छे हैं और आपको ऑनलाइन जो मधु विशाल जी की एक आधी फोटो होगी वीडियो होगी वो आपसे ज़रूर डालूँगा इसमें। और आशीर्वाद ले रहे हैं, से देखिए सारे आशीर्वाद ले रहे हैं। आ जाओ उनको ले रहे आशीर्वाद। आशीर्वाद आशीर्वाद मनोकामना पूरी हो, परिवार में खुशियाँ मनी रहे। तो भाई दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, हो जाओ भाई। यहाँ से जा रही है डोली। जय माँ, माता रानी की है भाई। कोई चलते हैं, पीछे पीछे चलेंगे। आओ भाई, लोगों दर्शन कर लिए, सब हो गया, सब अच्छे से हो गया। और अभी हम जा रहे हैं गाड़ी पर। बढ़िया हो गया ना, होने चाहिए।
तो भैया तुम से हैं दर्शन भी बढ़िया ना तो बेकार है। ओ, ये लिया है हमने प्रसाद खराब होना। और चलते हैं अभी कहाँ पे ठीक है। जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं, एक भंडारा यहाँ लगा हुआ है, एक उधर लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है। श्री बद्रीनारायण मंदिर उत्तराखंड में 12 मई से 18 मई तक का भंडारा आयोजन करा जा रहा है पुष्पांजलि परिवार आगरा उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो ये शायद पूछ सकते हैं आप तो पुष्पांजलि परिवार। हाँ जी। तो आप भंडारा कब से कर रहे हैं? यहाँ आज से शुरू हुआ है और ये 18 तक रहेगा, 7 दिन का भंडारा है। उससे पहले भी लगातार करते आ रहे होंगे? नहीं, ये पहला भंडारा है। पहला भंडारा? हाँ जी। लेकिन भंडारा आपका बहुत अच्छा साफ सुथरा। ये देखिए आलू सब्जी कचौड़ी और यहाँ हलवा, हलवा पूरा चाय और यहाँ सबके लिए चाय का। चाय गर्म गर्म चाय सबके लिए।
भंडारे के रूप में दी जा रही है। भाई टेस्ट अच्छा है, आओ भंडारा टेस्ट करो। हमने तो कर लिया, देखो ये भी कर रहा है, इसने भी कर लिया। कैसा है भंडारा खा के देख। चाय तो तुमने तीन चार बार पी थी, चाय ने तीन चार बार पी थी, देख लो इतनी अच्छी लगी से चाय। वैसे पीता नहीं जल्दी से, उन्हें तीन चार बार पी थी। तो चलो चलते हैं, इसको भंडारा खान दो। तो दोस्तों दर्शन करके आ गए हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं। डाल दो साइड। मैं जब भी ब्लॉग चालू करूँ कुछ ना कुछ से बोलना ही होता है। चश्मा उश्मा लगा लिया, मस्त सी धूप निकली हुई थी। तो फिलहाल चलते हैं और करते हैं इस ब्लॉग को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में जो भी कुछ आपको अच्छा लगा हो बद्री विशाल के बारे में तो कमेंट सेक्शन में बद्री विशाल जरूर लिखिएगा। और लाइक को भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अभी तक नहीं करा हो तो करो। इस ब्लॉग को एंड करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।